आज हम लोग बनाते हैं दही और पनीर की सब्जी। तो ये सब्जी बहुत अच्छा बनता है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है और मैं ये अक्सर बनाती हूँ। तो मैं इसको कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं हम लोग ये सब्जी। तो इसके लिए मैंने एक पैन गरम करा हुआ है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल ले रखा है। आपको जो तेल लेना होगा आप वो ले सकते हैं। सरसों के तेल को हम लोग बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी और 4 से 5 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए डाल दूंगी और तुरंत ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी एक बड़े आकार का बारीक टुकड़े में कटा हुआ। और इसको हम लोग भून लेंगे और तब तक भूनना है सिर्फ कलर चेंज होने तक, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ पे हम लोग अदरक लहसुन कूटा हुआ 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे हम लोग और इसको भी लो फ्लेम पर हम लोगों को भूनना है थोड़ी देर तक, बिल्कुल इसको कुक नहीं करना है। और ये हमारा एक बड़े आकार का टमाटर है, ये भी हम लोग इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको हम लोग धीमे आंच पे धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ धनिया की पत्ती डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच। इसको सिर्फ मिक्स करना है, इसको भून के पकाना नहीं है। इसमें किसी भी सब्जी को जितने भी हम लोगों ने डाला है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो चलिए अभी हम लोग नमक डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और चलिए हम लोग नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट तक कुक कर लेते हैं लो फ्लेम पे। तो चलिए फिर इसमें हम लोग हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1/4 टीस्पून, 1/4 छोटी चम्मच, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर हम लोग डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, और यहाँ पर हम लोग कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, और यहाँ गरम मसाला हम लोग 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, और हम लोग पनीर डालेंगे यहाँ पर 3/4 कप, 1 कप में थोड़ा सा कम, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम लोग भून लेंगे 1 मिनट तक के लिए। तो चलिए हमारा भून के तैयार हो गया। तो अब हम लोग इसमें 1/2 छोटी चम्मच हम लोग इसमें चीनी डाल देंगे, ज़रूर डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम लोग चीनी को मिक्स कर देंगे इसमें, और चलिए हम लोग यहाँ पे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मसाले को ओवर कुक नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग दही डाल देते हैं 1 कप, और दही डालते समय फ्लेम को हम लोग एकदम लो कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए हमारा मिक्स हो गया। तो मैं 2 टेबल स्पून पानी डाल दी हूँ, जिससे दही डाली थी ना कप से उसी को धो करके। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और इसको हम लोग ढक करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 1 मिनट के बाद देखिए हमारा ये सब्जी बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो एक बारी मेरी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा बना था। और एक बार ये ज़रूर बनाइए और फ्रेंड्स खाइए, पीजिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।